हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक हेडलाइंस हिंदी में। दोस्तों, ज़्यादातर जो लोग हैं कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए अपने फ़ोन के जीमेल का यूज़ ज़रूर करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जीमेल एप्लीकेशन पर कई सारे फीचर दिए गए, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जीमेल के शेड्यूल फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस फीचर के जरिए आप कोई भी ईमेल आप अपने किसी भी टाइम पर शेड्यूल करके सेंड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई भी आपका ईमेल जो है आपको 2 महीना बाद अगर सेंड करना है और चाहते हैं कि दोस्तों कहीं भूल ना जाए, तो दोस्तों यहाँ पे आप अभी ही उस मैसेज को शेड्यूल करके सेंड कर सकते हैं, ताकि दोस्तों 2 महीना बाद जो वो जो आपका ईमेल है ऑटोमेटिक उस डेट में सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस जीमेल के शेड्यूल फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, ताकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कोई भी ईमेल शेड्यूल करके कैसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पे आपको नीचे एक कंपोज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली यहाँ से आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जिस भी पर्सन को जो है ईमेल सेंड करना है, यहाँ पे आपको उसका ईमेल यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद आपको जो भी ईमेल सेंड करना है आपको यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो यहाँ से आपको ऊपर इस पर टाइप करना है और यहाँ से कोई भी फाइल अटैच कर देंगे जो भी आपको सेंड करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर टाइप करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेड्यूल सेंड का, यहाँ पे आपको इस पर टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाता है लास्ट में आपको पीक डेट एंड टाइम, यहाँ से आपको इस पर टाइप करना है और आपको यहाँ पे जिस भी डेट में आपको ईमेल जो है शेड्यूल करना है यहाँ से आप उसको, तो दोस्तों यहाँ से आप उसका टाइम और डेट दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा शेड्यूल सेंड का। सिंपली दोस्तों आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप टैप करेंगे, यहाँ पे आपका जो ईमेल है सेंड हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो जीमेल है यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा और उस डेट में दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। दोस्तों, उसको आपको देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ से आपको ऊपर 3 लाइन वाला ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेड्यूल्ड का, तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको जितने भी आपने ईमेल शेड्यूल कर रखा होगा यहाँ पे आपको सारा ईमेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप अगर इस ईमेल पर टाइप करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपने इसको किस डेट में शेड्यूल किया है। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कैंसिल करना तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको कैंसिल सेंड का, जहाँ से दोस्तों आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप जीमेल के इस शेड्यूल फीचर को यूज़ करके आप कोई भी ईमेल को शेड्यूल करके सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से शेयर कर दें और नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हमारे जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। We'll be right back.